नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति। एक नई सोच, नई दिशा के बेसिस पे एक नई चीज़ के डिस्कशन के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज का ज़माना जो है डिजिटल हो चुका है, और इस डिजिटल ज़माने में अपने को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हमको बिना कहीं गए कुछ माल खरीदना चाहिए या अपने घर बैठे ही माल खरीद लेना चाहिए। बहुत सारी मिथ रहती हैं इसमें, बहुत सारे दिमाग में उलझने रहती हैं कि एक्चुअली में हमको जो है वो माल कहीं जाके खरीदना चाहिए, बहुत अलग अलग जगह खरीदना चाहिए, या हमको जो है एक ही जगह से माल ले लेना चाहिए। दोनों कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं और दोनों कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए धोखा दोनों में है और दोनों में ही समझदारी है दोस्तों। लेकिन बात ये आती है कि हमने जो कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए प्लान बनाया है वो वास्तव में सही है या गलत है। तो बात यहां पर ये आती है कि आप जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंस रखी जाए कि ऑनलाइन ऑर्डर परफेक्ट रूप से होता है। पहली बात कि कोई भी चीज़ उसका अगर फ़ोटो बेसिस में इमेज जो आपको भेजी गई है प्रोडक्ट की, या कुछ भी आपको सिलेक्शन करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो किसी की भी फ़ोटो जो नेचुरली नहीं है, नेचुरली का मतलब कि जो आप लाइव नहीं देख रहे हैं, उसको आप रियलाइज़ नहीं कर सकते कि एक्चुअल में अभी ये क्या है। मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाया या मैंने कुछ भी चीज़ें फ़ोटो खींची और आपको भेज दिया कि ये आपका जो है हम टोटल कलेक्शन आपको भेज रहे हैं, लेकिन रियलाइज़ ये होता है कि ऑनलाइन में जो ऑर्डर हम मतलब प्रोसेस करते हैं उसमें हमको जो मेन पॉइंट आता है कि अगर हम कोई भी ऑर्डर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको डिज़ाइन नंबर या कोई जो भी वैरायटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जो है जांच पड़ताल कर लें। मतलब आप मान के चले कि जो भी चीज़ें, चाहे वो आपका कोई प्रोडक्ट है, आप चाहे ग्रोसरी का शॉप कर रहे हैं या आप कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं, या आप कपड़े के बिज़नेस में दो दो बिज़नेस होते हैं जैसे मेंस वियर का या वुमेंस वियर का, अलग अलग कर रहे हैं या एक ही साथ में कर रहे हैं, लेकिन स्टेप दोनों के लिए लागू हो जाता है। क्योंकि बिज़नेस जो है, अगर ऑनलाइन से कोई भी माल जो है माल आप मंगा रहे हैं तो वो माल जो है बिना चेक किया हुआ रहेगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों कुछ कंपनीज ये बोलती हैं कि आप नहीं आ सकते तो आपको वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी मिल जाती। अब यहाँ पे फैसिलिटी का मतलब ये है कि जैसे हम किसी दुकान पे जाकर कोई चीज़ देखते हैं तो हमको वो रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, लेकिन हाँ प्रोडक्ट अगर पैक है, बहुत ज़्यादा पैक हुआ है, उसको ओपन नहीं करना है, लेकिन एक्चुअली में जब तक आप डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं तब तक उसको जो है हमको रियलाइज़ नहीं होता कि हमको ये प्रोडक्ट मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि जो ऑफलाइन का दूसरा पक्ष ये लेते हैं कि ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन के माध्यम, ऑफलाइन का मतलब यही हुआ कि आप डायरेक्ट अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट देखने के लिए आप कहीं भी किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास जाएंगे तो वो आपको पूरी वैरायटी, पूरी जो डिटेल होगी वो बताएगा। अब यहाँ पर एक सबसे प्लस पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप भी बिज़नेस कर रहे हैं तो जगह जगह आप जाएंगे, जगह जगह आप घूमेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपके जो जो भी कस्टमर को हैंडलिंग करने वाले सेल्स पर्सन होंगे या वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और वो सीख आपके बिज़नेस में जो है काफ़ी जो है प्रोग्रेस करने के लिए चार चांद लगा सकती है। यानी कि वो बहुत स्टेप होता है, हर किसी के लाइफ का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप ऑनलाइन से मंगा रहे हैं तो वो आप केवल वीडियो कॉलिंग करके आप केवल प्रोडक्ट को देख पाएंगे, ना कि वह व्यक्ति या जो भी वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं वो अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं या कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ पे शेयर करते हैं। क्योंकि जो डायरेक्टली होता है, यानी कि जो डायरेक्ट आप परचेज़ करते हैं, वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको एक कंपनी में मान के चलता हूँ कि अगर जहाँ पर 8 से 10 सेल्समैन होते हैं तो सबके अपने अपने अलग आइडियाज़ होते हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, और ऑफलाइन माध्यम भी एक तरीके से अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो 10 में से मैं 8 ऑफलाइन को मार्क करता हूं, क्योंकि आप जो है यहां जाकर जो है चीज़ें देखते हैं उसमें जो है पूरी पूरी संभावनाएं ये रहती हैं कि रियल में जो प्रोडक्ट है उसमें आपको कम्प्लीटली मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन का जो है थोड़ा सा 50-50 का चांसेस रहता है, कभी कभी कुछ कंपनियां बोलती हैं लेकिन वो लोगों के साथ धोखा कर जाती हैं, और धोखा करने पे सबसे बड़ी नुकसान जो होता है दोस्तों किसी का नहीं होता है, लेकिन अगर हम पैसा अपना लगा रहे हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। और जो पैसा हमने अपनी मेहनत से कमा कर अपने बिज़नेस सपनों को पूरा करने के लिए हमने पैसा लगाया है तो वहाँ पर जो है वो नुकसान हो जाता है। तो बात ये आती है कि क्या वास्तव में मतलब हमको ऑफलाइन में ही करना चाहिए या ऑनलाइन में करना चाहिए।
दोनों का अलग अलग एस्पेक्ट्स है और दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो जो बात ये आती है कि वीडियो कॉलिंग की, आपने सब कुछ सिलेक्शन किया, उसके बाद माल मंगाया, अब लास्ट में ये होता है कि भाई जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, कब कभी कंपनियाँ जो होती हैं वो आपको गलत प्रोडक्ट दे देती हैं, तो आपको जो चीज़ नहीं बिकनी होती है वो लास्ट में नहीं बिकती है। तो इसलिए कंपनी पर ट्रस्ट करना, यानी कि उसकी पूरी जाँच पड़ताल परख कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टार्टअप कर रहे हैं आप बिज़नेस का, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, कंपनी कैसी है उसको जाकर आप देखें, उसकी वैरायटी देखें और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है नोट करके तभी आप स्टार्टअप में जो है कदम रखें दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं तब भी मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप महीने भर में जो भी चीज़ है, जैसे कि अगर एक महीने का शेड्यूल आप बना सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वहाँ पे आप नेट में ऑफ ऑनलाइन का यूज़ करते हुए अलग अलग जगह पे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि कहते हैं आप कपड़े का काम करते हैं तो सूरत जो है टेक्सटाइल हब है, तो आप एक बार 5 से 6 दिन के लिए यहाँ पर आइए दोस्तों। आने से ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो प्रोडक्ट ही लेके जाएंगे, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी लेके जाएंगे। आप यहाँ पर आएंगे, अलग अलग कंपनीज़ में विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और वो आपको अपने बिज़नेस में बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, जो कि आपको अपने बिज़नेस करने में बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन अगर ऑफलाइन आप के माध्यम से आप आते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि लोग और यहाँ पे जो लोग आते हैं वहाँ पे भी आपको मुलाकात हो जाती है, और इवन जो यहाँ पे लोग वर्कर्स हैं वो भी उसके बारे में शेयर करते हैं कि हमारी कंपनी किस प्रकार से काम करती है और कैसे कैसे हमारा प्रोसेस होता है। फर्स्ट टाइम किसी के पास भी आप कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं दोस्तों, तो विज़िट ज़रूर कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए और तभी आप बिज़नेस जो है स्टार्ट कीजिए। जो डिजिटल जो यूज़ है डिजिटल मीडिया का या डिजिटल इन्फॉर्मेशन का, उसको यूज़ कीजिए, उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन निकालिए कि कौन कौन सी जगह पे कितने कौन से मैन्युफैक्चरर हैं, उनके बारे में क्या चीज़ें हैं और एक्चुअली में वो हैं या केवल दिखावा है। इन दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इवन बहुत सारे लोग होते हैं जो रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली में मैन्युफैक्चरर कौन है, होलसेलर कौन है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि क्या माल होलसेलर के पास ख़राब आता है या मैन्युफैक्चरर के पास ही सही आता है। प्रोसेस अलग अलग है दोनों का। जैसे कि अगर मान के चलिए ऑनलाइन में कोई भी चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से जो ऑर्डर कर रहे हैं उसमें पूरी जो है कंप्लीट प्रोसेस क्या है। जैसे कि मान के चलिए हमारे यहाँ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप कोई भी माल मंगाते हैं तो वो स्टेप हमने पूरा किया है जो ऑनलाइन के लिए रिक्वायर्ड रहता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी प्रोडक्ट हम आपको सजेस्ट करते हैं उसके लिए, जैसे कि मैं कभी आपको बोलता हूँ कि नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पे आप जुड़िए, कॉल कीजिए, तो आपको जो प्रोडक्ट भेजा जाता है उसमें पीडीएफ्स के बेसिस पे भेजा जाता है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रहती है, क्योंकि आपको बेचने के लिए जो पूरी जानकारी की ज़रूरत है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन करते हैं और आप उसके बाद जो है वीडियो कॉलिंग का प्रोसेस करते हैं और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपना पूरा सिलेक्शन कराते हैं और वही प्रोडक्ट आपको जाता है, तब आपको रियलाइज़ होता है। लेकिन उस प्रोडक्ट को मिलने के पहले भी दोस्तों आप वीडियो जरूर बनाइए, चाहे आप कोई भी XYZ पार्टी से माल मंगा रहे हैं, पहुंचने पर पूरा आप जो है उसका जो भी बिल्टी नंबर है उसको फ़ोटो खींचकर या वीडियो के साथ में दिखा के आप माल ओपन करते हुए एक वीडियो बनाइए कि आपका ये पूरा पार्सल मुझे इस तरीके से मिला है और ऐसे ऐसे इसमें ये प्रोडक्ट निकाले गए दोस्तों, जिससे रियलाइज़ होता है और पता लगता है कि एक्चुअली में हमारे पास वो प्रूफ है और वो पूरी जानकारी है प्रोडक्ट कैसे कैसे हैं और कौन से प्रोडक्ट जो हमने चूज़ किए थे, यानी हम जो चुन के आए वही प्रोडक्ट आया या कोई दूसरा आया हुआ है। ऑफलाइन में दोस्तों इस तरीके से रहता है कि जैसे हम कोई चीज़ सिलेक्शन करके आते हैं तो प्रोडक्ट वही आता है। यहाँ पे कहीं एक बहुत सारी और भी मिथ बताना चाहूँगा, जैसे कि और भी जगह होते हैं, कई कई लोग जो होते हैं कुछ ऐसे गलत जो है लोग होते हैं जो मतलब कहते तो हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, लेकिन आपको गलत चीज़ें दे देते हैं दोस्तों। कोई भी XYZ में कंपनी की बात तो नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन है कुछ ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो गलत जगह पे लोगों को फंसा देती हैं और उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो आप कभी भी इस तरीके से जो है किसी के बारे में ना फंसे, आप डायरेक्टली कंपनी से जुड़ें, उसको आपको जो है बेनिफिट डायरेक्टली मिल जाता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है और जो होलसेलर का नेटवर्क होता है उसका पैसा आपको सेव करके आपको डायरेक्टली मिल जाता है। मार्जिन कॉस्टिंग जो भी होता है वो भी आपको गाइड करते हैं कैसे आपको बेचना है, कैसे आपको रखना है और कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है आपको आपकी एरिए के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है वही प्रोडक्ट आपके एरिए में बिकेगा। तो इन सब
बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और भी अगर इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, यानी प्रोसेस के रिलेटेड कि ऑफलाइन ऑनलाइन या प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसमें कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन सी चीज़ों पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बारीकियों को समझना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली आपको पूरी रिसर्च करके वो मैं आपको पूरा शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों ये वादे के साथ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने वाले हैं, ये वीडियो अगर पूरा देखे हैं तो ज़रूर अपना कमेंट करके मैसेज मुझे दीजिए कि आप कौन से प्रोसेस में बेस्ट फाइंड करते हैं, यानी कंफर्टेबल फील करते हैं, आप ऑफलाइन करते हैं ज़्यादा या ऑनलाइन करते हैं, कौन से माध्यम से आपको आज तक के जो प्रोडक्ट आपने मंगाए हैं उसमें कौन से सुविधाजनक रहे हैं या कौन से आपको बैड इफ़ेक्ट्स दिए हैं, दोनों चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे मैं आपको इसका जो है कंक्लूजन भी कुछ गाइड कर सकता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। और इसी तरीके से जो है अपने बिज़नेस को चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो नई नई जानकारियाँ, नए नए स्टेप्स और लाइफ के बारे में कौन कौन सी चीज़ें बिज़नेस को जो है इफ़ेक्ट्स डालती हैं उसके बारे में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली बेस पे आपको शेयर करता हूँ और वो करता ही रहूँगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलता हूँ एक नए टॉपिक या नए डिज़ाइंस या नए कलेक्शन के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।